वाले भाई लोग यहाँ पे। वो देखो जाम, देखो आप भाई खतरनाक जाम लगा है इस रास्ते पे तो। सो गाइस फाइनली आपका भाई पहुंच चुका है कीर्तपुर में और यहाँ पे रुक के खा रहे हैं हम बर्गर। तो यहाँ पे बर्गर को एंजॉय करते हैं और आपको यहाँ की लोकेशन दिखाता हूँ मैं अभी। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपका भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और एक और नए ब्लॉग के साथ वापस आ चुका है, क्योंकि आज आपका भाई जा रहा है चंडीगढ़। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 2:30। तो मैं पहले कॉलेज गया था, उसके बाद कॉलेज से घर, और उसके बाद अब आपका भाई जा रहा है चंडीगढ़ अभी। और रास्ता देखो आप, खतरनाक रास्ता यहाँ पर। और ये पहली ट्रिप है जब से हमने नए टायर डलवाए, क्योंकि बीच में मैं घर वालों के साथ चला गया था धर्मशाला, जो व्लॉग आपने देख लिया होगा अभी तक। और जब तक आप वो व्लॉग देखेंगे तब तक मैं पहुँच चुका होऊंगा चंडीगढ़ में। तो और रास्ता आप देखो क्या खतरनाक नया रास्ता पड़ा है, बिल्कुल मज़ेदार और बढ़िया से है, मज़े लेते हुए और आपको भी मज़े दिलाएंगे अभी, और बढ़िया से एंजॉय करते जाएंगे खाते पीते हुए। और मैं अकेला ही जा रहा हूँ अभी तो, और वहाँ से मैं शायद आगे हरियाणा भी जा सकता हूँ, देखेंगे। और आपके भाई के पेपर भी लगने वाले हैं 22 तारीख से, तो अगर बीच में व्लॉग्स अगर लेट आएंगे तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि पहले ही मांग लेता हूँ मैं आपसे, क्योंकि बीच में पेपर होंगे तो आपको पता है थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 5th सेमेस्टर है अभी, तो आपको पता है कि ये मेन है, नहीं तो एक साल बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए। और हम इस टाइम फिलहाल तो पहुंच गए हैं बिलासपुर से आगे, बिलासपुर से क्या नौणी से भी आगे पहुंच गए हम तो। क्योंकि नौणी कर लिया हमने क्रॉस, अभी जो पीछे चौक था वो नौणी वाला चौक था। और एक तो ये जो ट्रक होते हैं ना, ये बोर कर देते हैं पूरा रास्ता है यहाँ से कीर्तपुर तक, तो ऐसा रख लो कि इतना ज़्यादा बोरिंग रास्ता है कि हद ही, क्योंकि पूरे रास्ते में आपको मिलेंगे सिर्फ ट्रक्स ट्रक्स और ट्रक्स। और कुछ नहीं मिलने वाला है। और फिलहाल तो नए टायर डल गए हैं, तो बढ़िया से लीनिंग करते हुए जा रहे हैं, मज़ेदार, मतलब कि मज़े आ रहे हैं बिल्कुल राइड करने के। और मैंने सोचा अपने आईफोन का सामान भी ले आऊँगा मैं वहीं से, अगर माइक मिल जाएगा मुझे, फिर उसके बाद आपको बढ़िया से ब्लॉग मिला करेंगे देखने को आईफोन के साथ। अगर नहीं मिला तो फिर मैं देखता हूँ कि अपग्रेड ही कर दूँ GoPro पे। मैंने तो वैसे लिया तो मतलब मेन लिया ऐसा था कि अपना पर्सनल काम भी हो जाएगा, क्योंकि दो दो फ़ोन है ना मेरे पास अभी, तो वो था कि वीडियो बनाने के काम भी आ जाएगा आईफोन, और ऐसे नॉर्मल यूज़ करने के लिए भी। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो भाग्य में ना हो लिखा हुआ। क्योंकि 5 बार माइक मंगा दिया मैंने और 5 बार नहीं आया, तो कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ तो गड़बड़ है। और धर्मशाला वाला ब्लॉग कैसा लगा आपको वो भी कमेंट में बताना। और कि एक ही वीडियो बनी थी, क्योंकि मतलब कि आपको पता है फैमिली के साथ फिर ऐसे घूमे रहे, फिर ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, और उसके बाद सीधा घर ही आ गए। फिर मैंने सोचा घर आने की भी क्यों ही बनानी, अब सीधा ही अभी मैं पहुंचा ही हूँ, रात को पहुंचा ही था मैं अभी, और अभी निकल चुके हैं हम एक और ट्रिप के लिए। एक तो पेपर है ना मेरे और मुझे काम है, तो मैंने सोचा पहले जा जाता हूँ मैं वहाँ पे, फिर पेपरों में टाइम नहीं लगेगा। और पेपर है मेरे 22 तारीख से, एक तो पेपर का भी सीन है, पढ़ना पड़ेगा घर जाके। वैसे एक तो एक ये फायदा होता है अकेले चल के ना, मज़ा बढ़िया आता है, मतलब ना किसकी टेंशन ना कुछ नहीं। लेकिन एक तो ये रास्ता है ना, जो पीछे तक तो बढ़िया था ना, यह बन गया रास्ता, अब फिर से चल पड़ा वही उबड़ खाबड़ रास्ता पुराने वाला। और ये रास्ता ऐसा है कि आप मान लो कि थोड़ी सी लीन करो और उसके बाद आपको रुकना पड़ गया, देखो वाला कैसे खड्डे हैं बीच में, मतलब कि पूरा रास्ता उबड़ खाबड़ है, ओए होए होए। तो इसमें आप सोचो लीनिंग करनी भी कहाँ पे। और व्लॉग्स देखने में मज़ा आता है आपको या नहीं कमेंट में बताना, कि थोड़ा बहुत चेंज करना हो, मतलब कि कुछ भी अगर चेंज, जैसे आपको जो चीज़ अच्छी लगती हो तो वो मैं कोशिश करूँगा उसको बदलने की, क्योंकि
आप लोगों के लिए है सब कुछ, तो जो आप लोग बोलोगे वो हम आपके लिए जरूर करेंगे। खड्डे पे अपने आप ही जबान ऐसे उतर जाते हैं। मुझे आज तक ऐसा समझ नहीं आया किस एंगल से मेन रोड है और मनाली का हाईवे है मेन रोड, सोचो। और यहाँ पे इस रास्ते पे ना आज तक मैंने ऐसा भी देखा है कि पेंट हुआ हो कभी रास्ते पे, जो लाइनिंग होती है ना वो भी नहीं हुई है इस रास्ते में आज तक। बस ये पैर जैसे डाल देते हैं और बस चले हैं भाई। सो गाइस, फिलहाल तो आपका भाई पहुंचने वाला है गंबर पुल, और यहाँ से है चंडीगढ़, 110 किलोमीटर है पूरा चंडीगढ़। और सामने देखो आप, मतलब कि इस टाइम मौसम ऐसा लग रहा है अभी बजे तो 3 ही होंगे शायद, 3 या 3:30, और लग ऐसा रहा है कि जैसे शाम हो गई है भाई, 6-7 बज रहे हैं। आजकल दिन छोटे हो गए हैं ना ठंड में, तब लगता है ऐसा। गर्मियों में तो भाई 8-8 बजे तक बढ़िया मजे लगे हैं भाई, दिन ही रहता है तब तो, चाहे वो निकलो 5 बजे तब भी। और अभी हमने पूरा घूम के हो जाना है, वो जो सामने वाली पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, वो है स्वार घाट। सो गाइस, फाइनली आपका भाई पहुँचने वाला है स्वार घाट में। जय हो बजरंग बली। तो ये लास्ट चढ़ाई है जो कि मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ, और इसके बाद हम एंटर हो जाएंगे स्वार घाट में। सो गाइस, फाइनली आपका भाई पहुंच चुका है कैंची मोड़ के पास। तो ये आप देख रहे हैं पुल, यहाँ से है अंदर को टनल, तो यहाँ से पूरा 4 लाइन का काम चला है जोर शोर से। और जो ये वाला रास्ता है ऊपर को, ये जाता है नैना देवी के लिए, तो जय हो माता जी, कृपा करो। तो फाइनली यहाँ से हो चुका है अपना 4 लाइन शुरू, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सामने। अब तो पूरा रास्ता चंडीगढ़ तक 4 लाइन है, बढ़िया से मज़े से जाएंगे। अब तो यहीं तक ही है जो टाइम वगैरह लगता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रक वगैरह चलते हैं ना बहुत ज़्यादा और ट्रैफिक होती है तब इसकी वजह से। इसके बाद तो बढ़िया आराम से चलते रहो 4 लाइन पे, एक साइड में अपने एक स्पीड पे। सो गाइस, फाइनली आपका भाई पहुँच चुका है कीर्तपुर में, और यहाँ पे रुक के खा रहे हैं हम बर्गर। तो यहाँ पे बर्गर को एंजॉय करते हैं, और आपको यहाँ की लोकेशन दिखाता हूँ मैं अभी। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसी कुछ लोकेशन है यहाँ की, और ये अंकल बहुत ज़्यादा टेस्टी बर्गर बनाते हैं। हम आते जाते जब भी जाते हैं साइड तो खा के जाते हैं। और ये रही अपनी बाइक यहाँ पे। देखा आपने टॉप स्पीड 135, मतलब कि 135 जाती है, उसके बाद कट जाता है मीटर खुद ही। जाने को तो कितनी पहुंचा दो 135 पे, खुद ही मतलब एक्सीलेटर कट हो के 129। ये अपने भाई लोग यहाँ पे, और ये अपने भाई लोग मिल गए थे यहाँ पे बीच रास्ते में, तो इन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया चैनल, तो इनसे बातचीत करते हैं थोड़ी बहुत, मिलते हैं आपसे। यहाँ पे भाई लोग अपने खींच रहे हैं फोटो बाइक के साथ। तो इनको बाइक वगैरह पसंद आ रही है। तो अपने भाई वगैरह रुके थे थोड़ी देर मेरे पास, बातचीत की और फोटो वगैरह ले रहे थे वो बाइक के साथ, तो वो ली फिर निकल गए हम अपने डेस्टिनेशन के लिए। और वो भाई वगैरह रह गए पीछे, मैं आ गया था आगे। तो अभी चलते हैं, और मौसम देखो खतरनाक मौसम, और मतलब शाम ही होगी है अभी तो, 4 बज गए आई थिंक, क्योंकि 3 बजे तो मैं वहाँ था, 3:15 बजे तो मैं कीर्तपुर में था, फिर आगे रुका था फोटो वगैरह लिए, और वहीं पे भाई वगैरह आ गए और बातचीत हुई थोड़ी बहुत, और बस।
सो गाइज आपका भाई पहुंचने वाला है, फिलहाल तो खरड़ में पहुंचने वाला हूं मैं। और ये टीवीएस की बाइक देखो आप, पता नहीं कौन सी बाइक है लेकिन बाइक खतरनाक है, रॉनिन ऐसा कुछ नाम है, मतलब कि बुलेट की कॉपी है बिल्कुल, जावा की तरह निकाल दिया है और सही लग रहा है, मतलब कलर भी अच्छा था इसका बिल्कुल बढ़िया से। तो यहाँ से बचा है हमें चंडीगढ़ 16 किलोमीटर। फिलहाल मैं हूँ खरड़ में और देख सकते हैं आप खरड़ में अच्छे खासे मॉल बन चुके हैं, और किसी टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं, सिंगल रोड था है। जब हम जाते थे नानी के घर ना, तब यहाँ पे सिंगल रास्ता था, और अब देखो 4 लाइन बढ़िया। फाइनली हम चंडीगढ़ वाले रोड पे आ चुके हैं गाइस। तो गाइस हमने जाना है अभी एयरपोर्ट रोड पे, तो एयरपोर्ट रोड है यहाँ से लेफ्ट। वो देखो जाम, देखो आप भाई खतरनाक जाम लगा है इस रास्ते पे तो पूरे रास्ते पे नहीं मिला जाम, और अब मिल रहा है। और यहाँ पे मर्सिडीज, ये गाड़ियाँ देखने को भाई तगड़ी लगती हैं। और सामने खड़ी है थार, मेरे को हर बार ऐसी थार मिलती है जिसमें सेम अलॉय हो, चाहे बिलासपुर में, चाहे चंडीगढ़ में, चाहे मनाली में, वो जो मनाली में देखी थी उसके भी ऐसे ही है सेम, वो खड़ी है सामने आगे। और एक तो जाम यहाँ पे, पता नहीं क्यों ही लगा है इतना ज़्यादा जाम यहाँ पे। तो फाइनली हम निकल चुके हैं जाम से बाहर और जा रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली, मतलब इसी साइड है दोस्त का रूम, वहाँ जा रहे हैं। और ये सामने रही गिलको वैली, ये भी खतरनाक है भाई, इसके फ्लैट भी यार ना बहुत ज़्यादा महंगे हैं, करोड़ों में है इसके फ्लैट। रूम भी अच्छे हैं इसके, देखे थे मैंने ऑनलाइन देखा था वरना। और ये हाँ उनका पहला प्यार वरना, मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ये तो अपना एक ऐसा रख लो प्यार है। और यहाँ पे जिप्सी, और आगे खड़ी है ऑडी। यहाँ पे तो गाड़ियाँ देखने का ही मज़ा है, चंडीगढ़ में हर एक गाड़ी मिलेगी आपको 2-2 मिनट के बाद, बढ़िया महंगे वाली। और ऊपर से रेड लाइट पे इतना ज़्यादा टाइम लगाते हैं लोग, और देखो रेड लाइट की वजह से कितना सारा जाम लग जाता है यहाँ पे पीछे तक और इस स्कूटी वाले ने भी ठीक ठाक फेल लिया अपनी स्कूटी भाई, खतरनाक दौड़ा रहा है बंदा। और ये वाले कॉर्नर तो मेरे को भाई खतरनाक सही लगते हैं, और देखे स्कूटी वाला ना आओ देख रहा है ना ताओ सीधा केड़ा। सोचो मैं 80 पे चलाऊं तो ये कितने पे चलाऊंगा। और ये है यहाँ का गुरुद्वारा, खतरनाक गुरुद्वारा है भी, बहुत ज़्यादा बड़ा गुरुद्वारा है भी। इस गुरुद्वारे में भी गया हूँ मैं, और यहाँ पे शायद मेला लगा है तभी इतनी ज़्यादा भीड़ है। हाँ मेला वगैरह लगा है, देख सकते हैं आप दुकानें वगैरह लगी हैं यहाँ पे। और मैं पहुंचने वाला हूं अपनी मंजिल के पास, तो वहीं जाके मिलता हूं आपको अब सीधा।